जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस आउटलुक की इस क्लास में कल हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था और आज हम उसका स्टेप दिखाएंगे। तो स्टेप बहुत प्रॉपरली फाइंड करना है, सॉरी अप्लाई करना है। कैसे? सबसे पहले ईमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो गए, ये इंटरफेस आता है। स्टेप लिख सकते हैं आप लोग, सेटिंग पे जाना है, लिख लीजिए सेटिंग पे जाना है। पर हेडिंग बना लीजिएगा हाउ टू कॉन्फिगर ए ईमेल आईडी विथ आउटलुक, एमएस आउटलुक। हाउ टू कॉन्फिगर ईमेल आईडी एंड ईमेल आईडी, हाउ टू कॉन्फिगर एंड ईमेल आईडी विथ एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक। ओके उसके बाद से क्या करेंगे, देखिएगा सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग, उसके बाद सी आल सेटिंग। सी आल सेटिंग सामने देखिए, उस पे आपको, उसके बाद आपको आ जाना है फॉरवर्डिंग पीओपी एंड आईएमपी। पीओपी एंड हो गया। यहाँ क्या कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, इनेबल पीओपी फॉर ऑल मेल। देखिए हो गया आप लोग का, उसके बाद से क्या करेंगे, पीओपी के इनेबल कर लेंगे। और देख लीजिएगा आप लोगों में स्टेटस आईएमएपी की, वो भी इनेबल कर लेंगे, खुद देखते आपके डिसेबल होगा। ये दो पॉइंट लिख लीजिए, आईएमएपी भी एक्सेस, इसको भी इनेबल कर लेंगे। देखो इनेबल लिखा ना, इनेबल मतलब हाँ डिसेबल वाला बंद, और इन दोनों को इनेबल कर लेंगे।
गया। उसके बाद क्या करना है, इसको नीचे आना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, सेव चेंजेस। लेकिन सारे स्टेप कब करना है, उसके बाद ये सारे स्टेप करने के बाद सुनिए ध्यान से, सारे स्टेप करने के बाद आपको आना है कहाँ पे, अपने प्रोफाइल पे, मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखिए, तो प्रोफाइल पे आना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। और कल ही मैंने करा दिया था टू स्टेप वेरिफिकेशन, याद आ रहा है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कराया था ना, क्या किया था, सिक्योरिटी पे गए थे और यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो क्या करना था, ऑन कराना था, कल ही से ऑन हो गया, ऑन हो गया ना, ऑन कर लेना है। अगर ऑन नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, लिख लीजिएगा अगला स्टेप में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ऐसा एक लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि कल ही मैं ऑन करा देते इसीलिए पहले। प्रोफाइल के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, उसके बाद सिक्योरिटी, मैनेज योर गूगल अकाउंट के बाद क्या आ जाएगी, सिक्योरिटी, और यहाँ पे क्या करेंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, है ना, बताया था ना पिछली वीडियो में, आसान है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑन करने के बाद से होम में आ जाइए, यहाँ या जहां भी है सिक्योरिटी में, यहाँ पे जो भी, यही सर्च करिएगा ऐप पासवर्ड, क्या सर्च करेंगे, ऐप पासवर्ड, देखिए ये रहा ऐप पासवर्ड, सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड, और ऐप पासवर्ड को ओपन कर लें, आप ऐप सेलेक्ट कर लेंगे किस ऐप के लिए आप काम कर रहे हैं, तो अदर कस्टमर नेम, देखो यहाँ पे मेल दिखा रहा है, कैलेंडर दिखा रहा है, कॉन्टेक्ट दिखा रहा है, यूट्यूब दिखा रहा है, आप क्या कर लेंगे, कस्टम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कस्टम। और कस्टम करने के बाद यहाँ नाम लिख लेंगे क्या, और क्या करेंगे, जनरेट करते हैं, यह पासवर्ड दिखा है, ये पासवर्ड आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, ये पासवर्ड नोटपैड भी खोल लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि बंद हो जाता है पासवर्ड, कॉपी करते हैं वहां वहां गड़बड़ हो जाता है, नोटपैड भी खोल लीजिएगा और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही देख रहे हैं ना, और यहाँ से भी क्या कर लीजिएगा, एक बार कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल सी कॉपी हो ही गया है, और डन कर दीजिए, और क्या करिए, आ जाइए विंडो आर और एमएस आउट लुक, अब देखिए अब आप आउटलुक, किस आउटलुक लिखिए, विंडो आर करेंगे, आउटलुक लिखेंगे और एंटर कर देंगे, एमएस आउटलुक नहीं सिर्फ आउटलुक, क्योंकि पहले से किसी का कॉन्फिगर है यहाँ पे, देख रहे हैं ना कि यहाँ दिखा रहा है, किसी ना किसी का पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले बंद कर देंगे, पहले क्या करिएगा, कंट्रोल पैनल में जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे यूजर अकाउंट में आ जाएंगे, मेल वहां से लॉगआउट करना पड़ेगा, पहले कॉन्फिगर करना पड़ेगा ना, पहले वो लॉगिन है, पहले से कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो करने के लिए, इसमें जो पहले से जुड़ा हुआ है,
हाँ बिल्कुल पैनल जवाब मेल जवाब मेल में ईमेल अकाउंट अकाउंट ईमेल अकाउंट में जाएंगे उसके बाद से ईमेल आईडी यहाँ कोई दिखाई नहीं रही है। नहीं तो ओपन करें तो डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है ना आउटलुक, उसमें मांगता है ना पहले। हाँ, ऐड ऐड ये जल्दी से आ जाइए, 2 मिनट बताएंगे तब तक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, आपका आपका ही दिखा रहा है समूह कुशवाहा, आ जाइए। चलिए तो क्या कहा है मैंने, विंडो के साथ क्या करना है, आउटलुक ओपन कर लेना है। आउटलुक ओपन करने के बाद से लिखिएगा आउटलुक ओपन करना है, आउटलुक का स्पेलिंग जानते ही हैं, OUTLOOK, आउटलुक ओपन कर लेना है और फाइल पे जाना है। कहाँ जाना है, फाइल पे आउटलुक ओपन करना है, फाइल पे जाना है। पेन देना, पेन देना, पेन। यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करें। ऐड अकाउंट योर नेम में अपना नाम डाल देंगे, जैसे उसका नाम क्या था, सज्जाद था ना, सज्जाद ही रहने देते हैं। ईमेल एड्रेस में क्या करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस लिख देंगे। ईमेल एड्रेस उसका क्या है, सज्जाद अंसारी 06। OOO6 30 06 30 सज्जाद अंसारी 06 30 06 30 एट द रेट gmail.com हो गया। अब पासवर्ड में वही पासवर्ड जो मैंने नहीं यहाँ से कहा है कॉपी करने के लिए वाला पासवर्ड, जो कॉपी किया हम लोग नोटपैड भी रखवाए हैं, कहा है नोटपैड भी ओपन कर लीजिएगा, वही कॉपी तो था ही आपके पास, कॉपी तो है ही, उसी को क्या कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और दोबारा से पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पर अपने आप ही सारी चीजें हो जाएंगी। देखिएगा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो जाएगा, और फिर कॉन्फिगर हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ देखिए, और क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, हो गया। देखिए जैसे किए हैं इनका खुल के आ गया यहाँ पे, ठीक ठीक है, इनका जीमेल, आपका जीमेल आ गया। देखिए सचार के टीम से देखिए उनका मैसेज, जो भी है जो भी मैसेज वहाँ पे आया था जीमेल में, जीमेल पे था ना इनका मैसेज, इनबॉक्स में जो भी मैसेज है यहाँ दिखाएंगे। देखिए जूम से आया था मिस्टर अफरीदी, जो भी मैसेज वहाँ पे यहाँ शो कर गया, ठीक है। ये है तरीका ऐड करने का। अगर आपकी आउटलुक में किसी का ईमेल आईडी पहले से जुड़ा हुआ है तो तरीका क्या है रिमूव करने का, वो भी देख लीजिए, फिर आगे हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी देख लीजिए कैसे रिमूव करेंगे। इसको बंद कर देना, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि हो गया, अब इस पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अब रिमूव कैसे करेंगे, इसको रिमूव के लिए लिख लीजिएगा हाउ टू रिमूव ईमेल आईडी फ्रॉम आउटलुक। उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, हाउ टू रिमूव ईमेल आईडी फ्रॉम आउटलुक। हाउ टू रिमूव ईमेल आईडी फ्रॉम आउटलुक, एक लाइन नहीं लिख पा रहे आप तो, हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे
कंट्रोल पैनल में आएंगे, कंट्रोल के कंट्रोल पैनल में आएंगे, कंट्रोल पैनल, उसके बाद कहाँ आएंगे, मेल में आएंगे। देखिए कहाँ आएंगे, मेल, मेल में आने के बाद ईमेल अकाउंट में, कहाँ आएंगे, ईमेल अकाउंट। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सज्जाद वाला ना ईमेल आईडी, हाँ सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और क्या कर देंगे, यस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिमूव। अब आप देखिएगा आउटलुक खोलिएगा, अभी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो बंद करिए विंडो, आर करिए, आउटलुक ओपन करिए, देखिएगा आप कोई मैसेज उसे नहीं दिखाएगा, इनबॉक्स में जाइए, कोई मैसेज आ नहीं, क्योंकि कोई आईडी आईडी नहीं ऐड करने के लिए, फिर से वही प्रोसेस, समझ में आ गई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको मैंने आज कॉन्फिगर करना सिखा दिया और ईमेल आईडी को जोड़ना और रिमूव करना दोनों सिखा दिया, ठीक है। अब आगे की चीज क्या पढ़ना है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कर लेंगे ना। ईमेल आईडी करना पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही आज की क्लास में आपको करना है, ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू क्लास।